सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी टुगेदर। मैं रुपेश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर के आए हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 5 क्लासिक्स का, जो कि मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ है। तो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, आप इसको बहुत जगह आप अलग अलग पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसको आप पढ़े हैं लेकिन अलग अलग पढ़े हैं। कभी आप लैंड के बारे में पढ़े, जमीन, फिर आप उसके बाद किसके बारे में पढ़े, वाटर के बारे में, फिर उसके बाद आप एयर के बारे में पढ़े, ये तीनों के बारे में आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब ये तीनों को कंबाइन करके आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं हमारा ये प्यारा चैप्टर, जो कि पहला पॉइंट है हमारा, द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इन विच वी लिव इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। तो जिस पोर्शन पे हम अर्थ पे रहते हैं, जो जमीन है, जो सॉलिड पोर्शन क्या, अर्थ पे जमीन है, तो जमीन पे जो हम रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, ठीक है, जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का। द गैसेज थ्रू विच वी आर सराउंडेड कॉल्ड एज एटमोस्फियर। तो जिस गैस से हम आसपास, पता है आप सबको हमारे आसपास, अब बहुत बार आप शायद नहीं भी सुने हो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम, लेकिन आप ये जरूर सुने होंगे या फिर आप जानते भी होंगे कि हम सांस लेते हैं, जो हम इनहेल एक्सहेल जो करते हैं, सांस लेते हैं जो छोड़ते हैं, वो कुछ गैस हमारे शरीर में जाता है, फिर कुछ गैस हमारे शरीर से बाहर आता है। तो जो गैस हमारे शरीर में जाता है वो भी कहाँ प्रेजेंट है, एटमोसफियर में। जो हमारे शरीर से बाहर आता है वो भी कहाँ प्रेजेंट है, एटमोसफियर में, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे क्या हम गैस लेते हैं और क्या हम छोड़ते हैं, उसको भी हम जानेंगे। पहले आप एटमॉस्फेयर क्या होता है इसको समझ लें। जिस गैस के आसपास, हमारे आसपास में जो गैस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर कंटेन्स गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर्स। तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे तरह के गैस होते हैं, तीन बड़े तरह के गैस होते हैं जिनका नाम हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। वो है पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने बॉडी, जो सांस हम लेते हैं और जो छोड़ते हैं, जो हम लेते हैं उसमें क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जो हम लेते हैं उसमें क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। जो हम छोड़ते हैं उसमें क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मैं बोलूँगा जो हम इनहेल करते हैं, जो हम अंदर हमारे शरीर में लेते हैं वो क्या है, ऑक्सीजन। और जिसको हम एक्सहेल करते हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको इस तरह का से आप याद रख सकते हैं कि जिससे कि आपको आसानी हो सांस लेना और छोड़ना। लेते किसको है, ऑक्सीजन को, छोड़ते किसको है, कार्बन डाइऑक्साइड को। बस इस तरह आप याद रखिए जो एटमॉस्फेयर में गैस जो प्रेजेंट है। और एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन ज़्यादा कोई उतना लेंदी तरीका से मैं नहीं लिखा, मैं आपको समझाने के लिए बस एक छोटा सा डेफिनेशन लिया हूं, ठीक है। जिसमें कि ऐसा गैस का ग्रुप जो कि हमारे, हमको और आपको सबको घेरा हुआ है, जो सराउंड किया हुआ है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। बस यही चीज, ठीक है। द पार्ट विच इज कवर्ड बाय अर्थ कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कंटेन्स द वाटर ऑफ रिवर्स, लेक्स, आइस, ओशंस एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे एक्सेट्रा और जितने वाटर बॉडीज हैं सबका। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रो मतलब मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो हाइड्रोस्फीयर है उसमें ये जो हाइड्रो शब्द है ये क्या होता है, वाटर का मतलब होता है, ठीक है। कोई भी बॉडी जब वाटर कंटेन किया हो, ज़्यादा मात्रा में वाटर कंटेन किया हो, उसको ओशियन बोलते हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन कोई भी बॉडी जो वाटर कंटेन किया हो वो किस में आता है, हाइड्रोस्फीयर में। बॉडी मतलब क्या, कोई भी पॉन्ड, कोई भी लेक, कोई भी ओशियन, कोई भी आइस का, जानते होंगे आप एंटार्क्टिका और आर्टिक टन में आइस है प्रेजेंट, जो कि हमारे समुद्र से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसको उतना अभी जोड़ ना देते हुए हम यही समझते हैं हाइड्रोस्फीयर होता क्या, जो भी बॉडी, जो ऐसा अर्थ पे बॉडी जो कि वाटर को कंटेन किया हो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्फीयर। बस इतना ही आप समझें, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या होते हैं, मतलब हाइड्रोस्फीयर में मैं जो बोला, जो बॉडी वाटर कंटेन किया रहते हैं, कैसे बॉडी, रिवर में पानी रहता है, लेक में पानी रहता है, ओशन में पानी रहता है, और आइस जब पिघलता है तब भी वो किस में बदल जाता है, पानी में। आप सबको ये भी पता है, ठीक है। द नैरो जोन वेयर वी फाउंड लैंड, वाटर एंड एयर कॉल्ड एज बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है, जहां पर ऐसा जगह, मतलब अर्थ में ऐसा जगह जहां पे लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है, तो उसको क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। तो हर जगह क्या है हमारे अर्थ में, बायोस्फीयर है, ठीक है। अब बहुत बार सुने होंगे बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व,
ये आप बहुत बार सुने होंगे, यहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है अब आपको यहाँ से पता चल गया। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या होते हैं, लैंड भी होते हैं, वाटर भी होते हैं और एयर भी होते हैं। तो यहाँ से आपको इस चीज़ का नॉलेज मिल गया, अगर कहीं पे बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है वो क्या है, वहाँ पे लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है। लैंड मतलब क्या, फॉरेस्ट वहाँ पे होगा, जमीन होगा, ठीक है। वाटर मतलब नदी होगा या समुद्र होगा, कुछ भी हो सकता है। एयर का मतलब तो आप सबको पता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऑक्सीजन इनहेल के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर एक ऐसा पोर्शन है, मतलब ऐसा पोर्शन की जिसमें हम रहते हैं, जिसपे हम चलते हैं, जमीन जैसे, ठीक है। जो सॉलिड पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ का लिथोस्फीयर। जो अर्थ में सॉलिड पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। जो अर्थ का है, ठीक है, जो हमारे द्वारा बनाया गया है वो नहीं, जो अर्थ का है उसको हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर, जो सॉलिड पोर्शन है, ठीक है। तो अर्थ में जब बड़ा बड़ा लैंड होते हैं, ठीक है, जब अर्थ में बड़े बड़े लैंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंटिनेंट बोलते हैं, ठीक है। जब अर्थ में सबसे ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में पानी है, ठीक है, समुद्र का नाम आप सुने होंगे बचपन से, आप सी को जानते हैं। जब सी को हम बहुत सारे, तीन चार तो सी को हम मिला दें तो वो बहुत बड़ा क्या बन जाता है, एक वाटर रिजर्व, जिसको हम बोलते हैं ओशियन, ठीक है। तो कंटिनेंट क्या होते हैं, आप कंट्री जानते हैं, देश, जो देश हम बोलते हैं, वो देश जो हम देश बोलते हैं हिंदी में, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंट्री। क्या बोलते हैं, कंट्री। जब बहुत सारे कंट्री मिल जाते हैं, जब चार पांच कंट्री मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंटिनेंट, ठीक है। उसी तरह जब बहुत सारे सी, तीन या चार तरह के सी एक, मतलब तीन या चार सी एक साथ मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, ओशियन। तो जब बड़ा ओशियन, मतलब जब बड़ा सी का एरिया होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओशियन। जब बड़ा लैंड का एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिनेंट। बस यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। ऑल द ओशियंस आर इंटरकनेक्टेड, जितने ओशियंस हैं अर्थ पे वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं। एग्जांपल आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए जो हमारा ग्लोब है, जो ये हमारा ग्लोब है, इस पे देखिए ब्लू ब्लू जो आपको दिख रहा है ये क्या है, वाटर है। तो देखिए ये चारों तरफ अर्थ पे कनेक्टेड है, कहीं भी नहीं वैसा जगह बचा हुआ लैंड के सिवाय जो कि बचा हो, ठीक है। सारे जगह में वो कहाँ कहाँ पे हैं, कवर किए हुए हैं, ठीक है। और ये जो बड़ा आपको दिख रहा है, ये जो बड़ा बड़ा नाम दिख रहा है आपको, एरिया दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंटिनेंट्स, ठीक है। आगे देखेंगे कितने कंटिनेंट्स हैं, कितने ओशियंस हैं, लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए, ओशियन देखिए सबसे कनेक्टेड है और कंटिनेंट अलग अलग है। ये जो बड़े बड़े लैंड एरिया है, जो बड़े बड़े लैंड मास हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंटिनेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो बड़े बड़े वाटर एरिया है उनको क्या बोलते हैं हम, ओशियन, ठीक है, याद रखिएगा। तो सारे ओशियंस इंटरकनेक्टेड हैं जैसे मैं बताया। तो क्या होता है जब इंटरकनेक्टेड है वो, तो उसी के कारण हम मान लेते हैं कि जो समुद्र का पानी का लेवल है, जो उसका हाइट है जमीन से, वो क्या है, जीरो है। क्यों मानते हैं, क्योंकि उसका लेवल जो है, फिर से मैं रीज़न बता चुका हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, उसका जो लेवल है वो इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले तो ये जानिए वो इंटरकनेक्टेड है, फिर उसके बाद क्या, जब इंटरकनेक्टेड है इसका मतलब क्या, उनका लेवल बराबर है, उनका लेवल क्या है, बराबर है। तो उसके, उसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ, मान लीजिए ये एक लैंड है, सॉरी माफ़ करिए, ये एक लैंड है, इसके बगल में क्या है, वाटर है, ठीक है। यहाँ पे वाटर का हाइट यहाँ से जमीन से 2 मीटर है, सपोज बता रहा हूँ। तो ये वाटर पूरा दुनिया में कनेक्टेड है, तो बता रहा हूँ मैं आपको कि ये हर जगह, ये जमीन से कितना पे होगा, 2 मीटर पे ही होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ की, वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे, अगर वो हर जगह इंटरकनेक्टेड हैं तो मतलब कि आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनका लेवल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का हाइट अगर हम अर्थ पे नापते हैं तो किससे नापते हैं, सी लेवल से नापते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज 8848 मीटर, दैट इज क्या है, माउंट एवरेस्ट। तो अर्थ पे सबसे ऊंचा जगह, ठीक है, अर्थ पे सबसे ऊंचा जगह जो है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है। तो उसको भी हम कैसे नापे, माउंट एवरेस्ट को भी हम कैसे नापे, ये समुद्र है सपोज, ठीक है,
आप ये समझ लीजिए समुद्र है और ये क्या है माउंट एवरेस्ट। तो इसका हाइट ये समुद्र के लेवल पे, यहाँ पे ये जीरो पे है, ठीक है, यहाँ पे कितना पे है वो जीरो पे। जब ये ऊपर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, तो जब इसके हाइट पे जब पहुँचा वो, तो पता चला यहाँ पे वो कितना है 8848 मीटर, मतलब कि 8 किलोमीटर के अराउंड में है वो। तो हमको कैसे पता चला, समुद्र के लेवल से हम नापे, समुद्र का सामने से, ठीक है, वहां से जो हाइट हुआ माउंटेन का उसको हम बोल दिए क्या है माउंटेन का वो हाइट है। समझ में आ रहा होगा आपको मेरे ख्याल से, ठीक है, ये सबसे ऊंचा वाला पॉइंट और उसी तरह सबसे डीपेस्ट पॉइंट, सबसे गहरा वाला पॉइंट ये ऊपर में है और सबसे गहरा वाला पॉइंट, सपोज जैसे ये समुद्र है उसके नीचे जो है गहरा, ठीक है, उसको हम क्या, उसका एक पॉइंट है सॉरी अर्थ पे, उसको हम बोलते हैं मरियाना ट्रेंच। उसका जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, मरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट है, जो कि 11.02 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। इसको भी कैसे नापे, यहाँ अर्थ का सरफेस से नीचे तक नापे, जो कि 11 पॉइंट, यहाँ पे कितना था वो जीरो था, जब नीचे पहुंचा तो 11.02 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि इसको हम कैसे नापते हैं, सी के लेवल से नापते हैं। अगर ये माउंटेन है ये सी है, तो इसको यहाँ सी के लेवल से हम नापेंगे, सी का लेवल को हम मान लेंगे जीरो, वहाँ से जब उसका हाइट बढ़ाएंगे तो हमको पता चला कितना लंबा है वो 8.848 मीटर, जिसको लगभग 8 किलोमीटर भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह जब मरियाना ट्रेंच को हम नापे, तो उसको कहाँ से नापे, समुद्र का वही लेवल से जहाँ पे हम जिसको जीरो कंसिडर किए थे माउंट एवरेस्ट पे, उसी तरह इसको भी जीरो माने, और जब उससे नीचे गए तो हमको पता चला ये कितना गहरा है 11.02 किलोमीटर। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंटिनेंट्स और हाइड्रोस्फीयर। तो हम इन दोनों को अभी पहले ऐसे नाम डिस्कस कर लेते हैं, कितने कंटिनेंट्स हैं कितने ओशंस हैं अर्थ पे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम पाली पाली सबको वन बाय वन हम देखेंगे इसका डिटेल्स, ठीक है। तो कंटिनेंट्स, देयर आर 7 कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में कितने कंटिनेंट्स हैं, 7, जैसे आपको मैं पहले भी बताया, ठीक है। 7 में क्या क्या है, पहला तो एशिया है, ठीक है, एशिया है, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, 4th साउथ अमेरिका, 5th नॉर्थ अमेरिका, 6th ऑस्ट्रेलिया, 7th एंटार्क्टिका। तो आप सबको मैं बता दूं, सबसे बड़ा अगर लैंड मास कोई होता है तो सबसे बड़ा क्या होता है, कंटिनेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, कंट्री आता है, फिर उसके बाद कुछ अगर कंट्री का छोटा पार्ट है स्टेट होगा, कंट्री के अंदर में जो स्टेट्स होते हैं वो जो बड़ा स्टेट होगा, ठीक है, फिर स्टेट के अंदर जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। तो हम इतना डिस्ट्रिक्ट तक ही समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, दुनिया में सबसे बड़ा लैंड मास कोई है तो वो क्या है, कंटिनेंट, सबसे बड़ा लैंड एरिया जो कवर करता है, ठीक है, वो क्या है, कंटिनेंट। फिर उसके बाद कंटिनेंट के अंदर क्या होते हैं, कंट्रीज होते हैं, ठीक है, और कंट्रीज के अंदर क्या होते हैं, स्टेट होते हैं, और स्टेट के अंदर क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। कुछ इस तरह आप इसको समझिए तो अच्छा रहेगा समझने में आपको। पहला, एशिया में कौन कौन से बड़े बड़े कंट्रीज हैं, हम जो इंडिया में हैं, इंडिया भी कहाँ है, एशिया में है, चाइना भी कहाँ है, एशिया में, रसिया भी और पाकिस्तान भी, श्रीलंका भी, अफगानिस्तान, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि एशिया में है, ठीक है। अराउंड मेरे को जितना ख्याल में है वो 50 कंट्रीज से प्लस है, 50 प्लस कंट्रीज एशिया में है, ठीक है। फिर यूरोप, सेकंड है यूरोप, यूरोप जो कि जहाँ पे इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड है। फिर दूसरा होगा स्विट्जरलैंड, आप बहुत नाम सुने होंगे, स्विट्जरलैंड है, ठीक है। फिर जर्मनी, आप जर्मनी का भी नाम सुने होंगे, जर्मनी है। तो बहुत सारे कंट्रीज यूरोप में भी नामी दामी कंट्रीज हैं, ठीक है। फिर अफ्रीका, तो आप क्रिकेट अगर देखते होंगे तो एक टीम है साउथ अफ्रीका करके, वो भी यहीं पे है, ठीक है, साउथ अफ्रीका। नाइजीरिया भी आप नाम सुने होंगे, वो जो आतंकवादी लोगों जो रहते हैं काले काले वाले, ठीक है वो। फिर उसके बाद एक और देश है, नाम तीन तीन तो सबका दे रहा हूँ तो यहाँ पे भी दे देता हूँ, मोरक्को, MORROCO, स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेंगे, मोरक्को, ठीक है। तो चौथा आता है हमारा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में क्या, ब्राज़ील आप नाम सुने होंगे, ब्राज़ील फुटबॉल का बहुत अच्छा टीम है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ठीक है, और एक कंट्री है कोलंबिया,
ये मैं बड़े बड़े कंट्रीज का नाम ले रहा हूँ जो कि फेमस हैं अपने अपने कंटिनेंट में, ठीक है। फिर नॉर्थ अमेरिका भी एक है जिसमें आप अमेरिका का नाम आप जरूर सुने होंगे, अमेरिका, तो आप बोलेंगे तो दोनों अमेरिका है, तो जो जो बाइडन जो प्रेसिडेंट है वो कौन से अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो दोनों में से किसी के नहीं है प्रेसिडेंट, ये दोनों क्या है, कंटिनेंट्स हैं, कंट्री नहीं है, वो कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, वो कंटिनेंट्स के प्रेसिडेंट नहीं है। तो वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक कंट्री है, क्या नाम है उस जिसका, यूएसए, यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नाम है वो कंट्री का, उसके प्रेसिडेंट है कौन, जो बाइडन, ठीक है, जो ट्रंप का भी आप नाम सुने होंगे, वो कहाँ आता है, नॉर्थ अमेरिका में आता है, ठीक है। एक और कंट्री का नाम सुने होंगे मेक्सिको, ठीक, और एक कंट्री का नाम सुने होंगे कनाडा, ठीक, ये सब कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक। ऑस्ट्रेलिया तो खुद एक कंट्री है, इसको तो आप जान रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया खुद एक कंट्री है, और उसके अंदर और एक कंट्री आता है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। इसके अलावा और एक कंट्री है फिजी, ये सब कंट्रीज हैं कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में। एंटार्क्टिका जहाँ पेंगुइन होते हैं वो है हमारा एंटार्क्टिका, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में, जो आपको मैं सेकंड चैप्टर में पढ़ा रहा था, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिका है और नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, आर्कटिक टन है। तो 7 कंटिनेंट्स हैं हमारे, इनको पारी पारी डिस्कस करेंगे, अभी बस इतना समझिए आप, ठीक है। सब ये बात याद रखिएगा, कंटिनेंट्स के अंदर में कंट्री होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा जरूर, ठीक है। फिर है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब मैं बता चुका था, पानी जो बॉडी कंटेन किए रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, जो बॉडी वाटर कंटेन किए रहते हैं। तो वैसे 5 ओशन्स हैं अर्थ पे, ठीक है, 5 ओशन हैं। ओशन क्या होते हैं, जो बड़े बड़े लैंड एरिया होते हैं उनको ओशन बोलते हैं, जिस तरह इसको हम बोलते थे कंटिनेंट को, बड़े बड़े लैंड एरिया जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कंटिनेंट, जो बड़े बड़े वाटर एरिया होते हैं उनको हम बोलते हैं ओशन, ठीक है। तो ओशन जो है 5 हैं अर्थ पे, पहले हैं पैसिफिक ओशन जो कि सबसे बड़े ओशियन है पूरे अर्थ पे, सेकंड आता है एटलांटिक ओशन, ठीक है, थर्ड आता है इंडियन ओशन जो कि इंडिया के नाम पे पड़ा एकमात्र ओशन है पूरा दुनिया में, ठीक है। फिर चौथा आते हैं, मतलब फोर्थ जो है हमारे आर्कटिक ओशन है, ठीक, और फिफ्थ सदर्न ओशन जो कि एंटार्क्टिका पे प्रेजेंट है। और आर्कटिक ओशन कहाँ पे प्रेजेंट है, आर्कटिक टन पे, आर्कटिक टन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को बोलते हैं, आपको बताया था मैं चैप्टर 2 में, ठीक है। तो चलिए अब इसको, पहले तो हम कंटिनेंट को लाइन बाय लाइन जितने कंटिनेंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो कि कंटिनेंट्स में, कंटिनेंट्स को वन बाय वन अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कंटिनेंट्स हम कंटिनेंट में देखे थे एशिया, ठीक है। तो जो कि मैं बताया था आपको वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है, वही पहला पॉइंट है, इट इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है, एशिया है, ठीक है। इट कवर्स 1/3 एरिया ऑफ अर्थ, अर्थ का 1/3 एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। लैंड में जितना एरिया है आधा से ज़्यादा लैंड को कवर कौन करता है, आधा लैंड कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है, आधा लैंड कितना होता है, हाफ होता है। ये कितना कवर कर रहे हैं, 1/3, 1/3 मतलब हाफ से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, सॉरी थोड़ा कम, हाफ से थोड़ा कम, ठीक। एशिया एंड यूरोप आर सेपरेटेड बाय यूरल माउंटेन्स, तो एशिया और यूरोप दोनों सेपरेट हुए हैं कौन से माउंटेन के थ्रू, यूरल माउंटेन के थ्रू। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है एशिया जो सबसे बड़ा पोर्शन है आपके सामने, ये वाला क्या है हमारा एशिया। तो ये देखिए एशिया के वेस्ट में, सेकंड यूरोप में हम जानेंगे एशिया के वेस्ट में क्या है, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, एशिया के वेस्ट में इस तरफ में एशिया का जब हम देखें तो हमको क्या मिला, यूरोप, तो जो कि एशिया से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे एशिया ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक माउंटेन है, माउंटेन रेंज है, उस माउंटेन रेंज को क्या बोला जाता है, यूरल माउंटेन्स, ठीक है। फिर से समझाता हूँ, ये एशिया है पूरा, ठीक, और उसके वेस्ट में क्या है, यूरोप, और दोनों को जो सेपरेट करता है वो कौन सा माउंटेन है, यूरल माउंटेन, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड एज यूरेशिया,
तो आप जब देखें उसको ग्लोब को, तो ग्लोब में आपको एक चीज़ दिखा होगा एशिया यूरोप साथ में, वो भी जो कि मैं बताया भी आपको, तो उनका कुछ लैंड एरिया एक साथ, अगर एक साथ कनेक्टेड है वो दोनों, तो उन दोनों का लैंड भी तो आपस में कनेक्टेड, लैंड ही कनेक्टेड है ना, तो जो दोनों का जो कनेक्टेड लैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। उसका स्पेलिंग EURASIA है, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं हमारा यूरोप, ठीक है। यूरोप जो है हमारा वो एशिया से छोटा है, ठीक है, एशिया के कंपैरिजन वो छोटा है, जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ स्मॉलर देन एशिया, ठीक है। इट लाइज इन वेस्ट ऑफ एशिया। तो आपको मैं जैसे बताया कि जो ग्लोब में बताया आपको, वेस्ट तरफ आप जब एशिया का देखेंगे तो वहाँ क्या दिखेगा आपको, यूरोप दिखेगा, ठीक है। तो यूरोप में, यूरोप से आर्टिक सर्कल भी पास हुआ था, आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट। तो आर्टिक सर्कल क्या होता है, चैप्टर टू में हम देखे थे, तो मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। आर्टिक सर्कल जो था, अगर ज़्यादा अच्छा है समझना है आप हमारा क्लास सिक्स का चैप्टर टू ज्योग्राफी का देख सकते हैं, शायद लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स चैप्टर में डिस्कस किया हुआ था, जो कि हमारा जो आर्टिक सर्कल है वो 66 हाफ डिग्री नॉर्थ पे जो होता है उसको हम आर्टिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो यूरोप का मैप में, अगर सपोज ये यूरोप है, ठीक है, यूरोप का मैप से ऐसे आर्टिक सर्कल क्रॉस हुआ है, ठीक है, ऐसे आर्टिक सर्कल क्रॉस हुआ है, जो कि कितना है 66 हाफ डिग्री नॉर्थ, ये वाला। तो यूरोप कौन से हेमिस्फीयर में, इससे आपको फिर पता चल जाएगा, अगर आप चैप्टर टू का वीडियो देखे होंगे तो उससे आपको ये पता चल जाएगा, अगर नॉर्थ आ रहा है तो किस डायरेक्शन में, किस जगह में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आप कुछ अपने मन से भी पॉइंट जोड़ सकते हैं इसमें आप, ठीक है, आप अपने मन से भी पॉइंट को जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड देखते हैं हमारा अफ्रीका, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट, एशिया के बाद सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, अफ्रीका, ठीक है, जो सेकेंड लार्जेस्ट जिसको बोला गया, ठीक। अफ्रीका से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों पास किए हैं, ठीक है, तीनों उसको पास किए हैं, ठीक। अफ्रीका का मैप कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक कंट्री है उसका, अफ्रीका का मैप कुछ ऐसा दिखता है, और इक्वेटर जो है उसका जस्ट सेंटर से पास हुआ है, इक्वेटर, मतलब कि आप अगर ऐसे आप देखें तो आधा पार्ट इक्वेटर, आपको बताया था मैं चैप्टर टू में, इक्वेटर क्या करता है, दो पार्ट में अर्थ को डिवाइड करता है, पहला पार्ट ऊपर वाला पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर, तो आधा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, आधा पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में, ये क्लियर हुआ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसके थ्रू गया हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना होता है 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और इक्वेटर कितना होता है 0 डिग्री। उसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी इसके थ्रू ऐसे गया हुआ है साउथ से, ठीक है, जो कि 23 हाफ डिग्री साउथ होता है, ठीक है। ये अगर क्या है, अफ्रीका का मैप कुछ ऐसे ही दिखता है, ठीक है, उसके सेंटर से इक्वेटर गया है, ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और उसके डिग्रीज आपको वहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अफ्रीका में वर्ल्ड का लार्जेस्ट और हॉटेस्ट डेजर्ट भी प्रेजेंट है, क्या उसका नाम है, सहारा डेजर्ट, उसको क्या बोलते हैं, सहारा डेजर्ट। तो और वर्ल्ड का सबसे लंबा नदी, हिंदी में बोले तो नील रिवर, नील नदी, ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो नाइल रिवर जो है वो अफ्रीका में प्रेजेंट है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, ये दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका सराउंडेड बाय ओशियंस एंड सीज, तो कौन कौन से ओशन से ये कवर्ड है, पहला तो जो ओशन से कवर्ड है ये पैसिफिक ओशन, दूसरा एटलांटिक ओशन, तीसरा आर्टिक ओशन, जो हम पहले तीन चार पांच ओशन का नाम जो डिस्कस किए थे उनमें से तीन ठो से ये घिरा हुआ है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपको विजिबल होगा कि नहीं, ये जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये जो आपको दिख रहा है,
ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में मैं आपको पहले बताया था उसमें यूएसए है, ये जो हरा वाला दिख रहा है आपको, ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये यूएसए है। मैक्सिको बताया था, मैक्सिको ये वाला है येलो वाला, और जो पिंक वाला बताया था मतलब जो कैनेडा बताया था वो पिंक वाला है, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर में आपको मिल जाएगा आर्टिक ओशन, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिक ओशन, शायद आपको दिख रहा हो, और उसके बगल में यहाँ पे आपको अटलांटिक ओशन मिल जाएगा, अटलांटिक ओशन, और इस तरफ आपको पैसिफिक ओशन मिल जाएगा। तो देखिए ऊपर से आर्टिक ओशन, लेफ्ट साइड से पैसिफिक ओशन, राइट साइड से अटलांटिक ओशन उसको कवर किए हुए हैं, ठीक है। किसको? नॉर्थ अमेरिका को, ठीक है। एन ए और एस ए, मतलब एन ए का मतलब होता है नॉर्थ अमेरिका, एस ए का मतलब है साउथ अमेरिका। तो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है वो दोनों आपस में एक पतला सा रास्ता से कनेक्टेड है, ठीक है, एक पतले से रास्ता से कनेक्टेड है। यहाँ पे है वो रास्ता, ऐसे करके आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, वो जो आप ये वाला जो है आपको दिख रहा होगा ये वाला रास्ता, तो इसी रास्ता को बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। क्या बोलते हैं? इस्थमस ऑफ पनामा, ये रहा वो शब्द इस्थमस ऑफ पनामा। तो जो रास्ता है जो किसको कनेक्ट करता है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। तो चलिए टॉपिक आई होप सो क्लियर हो गया आपको, और अब हम देखते हैं इसके बाद के कंटिनेंट्स को। आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा कंटिनेंट टॉपिक, जो हम चार देख चुके हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। अब हम देखेंगे बाकी के बचे तीन, जो कि साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। तो जो हमारा साउथ अमेरिका है वो कहाँ पर है? सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर पे है जो हमारा, उसको बोलते हैं हम साउथ अमेरिका, ठीक है। वो भी सराउंडेड है थ्री ओशन से, ठीक है, जो साउथ अमेरिका है वो भी सराउंडेड है थ्री ओशन से, ठीक है। आपको दिखा दूँ, ये रहा साउथ अमेरिका, ठीक। वो पहला ओशन इधर जो है साउथ अटलांटिक ओशन है, थर्ड इधर साउथ पैसिफिक ओशन है, और इधर सॉरी सेकंड और थर्ड यहाँ पे है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तीन ओशन से ये कवर्ड है, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक दो, और तीसरा जो है हमारा साउथ पैसिफिक, ठीक है। ये तीनों से कवर्ड कौन है? साउथ अमेरिका, उसी तरह जिस तरह नॉर्थ अमेरिका कवर्ड था, ठीक है। जो एंडीज है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, वो कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में, ठीक है। कहाँ पे आपको मिलेगा? साउथ अमेरिका में देखने को आपको वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, जिस बहुत सारे माउंटेन है उसके पास, ठीक है। वो ऐसे ही माउंटेन जैसे हिमालय को हम बोलते हैं, हिमालय भी तो माउंटेन रेंज है, लेकिन उससे भी बड़ा माउंटेन रेंज कौन सा है? एंडीज, ठीक है। और अमेजन का रिवर, अमेजन रिवर, ये आप बहुत नाम, बहुत बार नाम सुने होंगे, अमेजन रिवर, अमेजन फॉरेस्ट, ठीक है। ये भी रिवर कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है ब्राज़ील, और एक कंट्री है कोलंबिया। कोलंबिया में एंडीज हैं और ब्राज़ील में अमेजन है। अमेजन का जंगल और अमेजन नदी दोनों वहीं पे है, ठीक है। है बहुत सारे कंट्रीज़ में फैले हुए हैं अमेजन नदी और अमेजन जंगल, लेकिन तीन चार कंट्रीज हैं जो कि साउथ अमेरिका में कवर्ड हैं अमेजन जंगल और अमेजन रिवर से, लेकिन सबसे ज़्यादा पोर्शन ब्राज़ील में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो हमारा सिक्स कंटिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया ये सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है वर्ल्ड में, ठीक है। ये कहाँ पे है? सदर्न हेमिस्फीयर में है ये भी, ठीक। और इसको आइलैंड कंटिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। बस छोटे छोटे तीन पॉइंट्स थे। और है हमारा लास्ट एंटार्क्टिका। जो एंटार्क्टिका है वो कहाँ पे है? सदर्न हेमिस्फीयर में। और एंटार्क्टिका में मैं आपको बता दूँ, एंटार्क्टिका के सेंटर में जो होता है वो है साउथ पोल। एंटार्क्टिका के सेंटर में आता है साउथ पोल। आप जरूर सुने होंगे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। ये जो अर्थ है हमारा, जब उसको हम ऐसे टेढ़ा करके देखते हैं, ये उसका एक्सिस है जो घूमने का, उस पर हम देखते हैं तो बोलते हैं ऊपर में क्या है? नॉर्थ पोल, और नीचे में क्या है? साउथ पोल, ठीक है। ये दो मैग्नेट जैसे उसको, अर्थ को ऐसे टिल्ट करके पकड़े हुए रहते हैं, ऐसे हम समझते हैं इसको। तो वही जो साउथ पोल है वो कहां पर है? एंटार्क्टिका के सेंटर में है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है, साउथ पोल लाइज इन द सेंटर ऑफ कंटिनेंट, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है हमारा इस टॉपिक का, कंट्रीज हैव देयर रिसर्च सेंटर्स, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनका वहां पर रिसर्च सेंटर है, ठीक है। वहां पर जाके वो रिसर्च करते हैं, वहां पर उनके लोग भी रहते हैं, जो कंट्री है जो उसी के कंट्री के लोग भी रहते हैं। इंडिया का भी वहां पर है, जिसका नाम है एक ठो मैत्री, दो हैं वो इंडिया के वहाँ पे। पहला है मैत्री और दूसरा है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। पहला है मैत्री, दूसरा है
दक्षिण गंगोत्री, ये दो नाम आप याद रखिएगा, आपका फिल इन द ब्लैंक्स ये सब में जरूर पूछेगा। आई होप सो आपको ये कंटिनेंट्स क्लियर हो गया। अब हम जल्दी से देखते हैं हमारा ओशंस के बारे में। तो आइए हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो हम हाइड्रोस्फीयर देखे थे। हाइड्रोस्फीयर के अंदर ओशंस आता है, पहले हम हाइड्रोस्फीयर को डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो बॉडी विच कंटेन्स वाटर इन इट कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो बॉडी वाटर कंटेन किए रहते हैं, जो वाटर अपने पे रखे रहते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। एग्जाम्पल के तौर पे रिवर भी दिया था आपको, लेक भी दिया था, पॉन्ड भी दिया था, और ओशन, आइस शीट, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अब फिर मिल जाएंगे। ये फ्रेश वाटर के कुछ हैं, इसमें फ्रेश वाटर के कुछ हैं सल्टी वाटर के एग्जाम्पल, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर है, उसके कारण क्या होता है, हमारे अर्थ को ना ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। हाइड्रोस्फीयर के कारण क्या होता है, हमारे अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोला जाता है, क्योंकि हमारे अर्थ का 71% एरिया क्या कवर किया हुआ है, वाटर, ठीक है, और बचा कितना 29% वो क्या किए हुए हैं, लैंड, ठीक है। 71% वाटर है, 29% लैंड है, किसके, अर्थ के। इसी कारण अर्थ में, अर्थ को जब हम बाहर से देखते हैं वो ब्लू कलर का दिखता है, कैसा दिखता है, ब्लू कलर का, इसी के लिए हम उसका नाम दे दिए ब्लू प्लैनेट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मोर देन 97% ऑफ वाटर इज लाइज इन ओशियन विच इज सॉल्टी इन टेस्ट, ठीक है, जो कि अर्थ का ये जो 71% है, ठीक है, इसको अगर टोटल हम मान लें कितना 100%, टोटल हम कितना मान लें 100%, तो 100% में 71% को हम क्या मान लिए, 100%, ठीक है। तो इस 100% में 97% सिर्फ सॉल्टी वाटर है, क्या है, सॉल्टी वाटर, ठीक। और पीने लायक जो पानी है, जो फ्रेश वाटर है, वो कितने हैं 2.5%, वो क्या है, फ्रेश वाटर। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा आप, सॉल्टी वाटर का परसेंटेज जो अर्थ पे है 97% है, जो कि कुछ यूज़ में नहीं है, ह्यूमन यूज़ में नहीं आ सकता वो, ठीक है, और जो फ्रेश वाटर है वो 2.5%, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक जो ओशन का था, ठीक। ओशन जो मैं आपको बताया था कितना टाइप का, 5 टाइप का, पहला था पैसिफिक, सेकेंड जो था हमारा एटलांटिक, थर्ड इंडियन, फोर्थ सदर्न ओशन, फिफ्थ आर्टिक ओशन। तो अभी हम सबको डिस्कस करते हैं। जो पैसिफिक ओशन है वो वर्ल्ड का 1/3 पार्ट, सॉरी अर्थ का 1/3 पार्ट को कवर करता है, मतलब आधा से थोड़ा कम, जो हाफ होता है, मतलब अर्थ का जो आधा है उससे थोड़ा कम क्या होता है, 1/3, जो कि कवर कौन करता है, पैसिफिक ओशन। और लैंड में कौन कवर करता है, एशिया, उसका भी 1/3 था, याद होगा आपको, ठीक है। ये अर्थ को पूरा सर्कुलर शेप में कवर करता है, इसी के लिए इस पैसिफिक ओशन का शेप क्या है, सर्कुलर है, ठीक है, वो अर्थ को पूरा घूम करके ऐसे कवर करता है, ठीक है। जो पैसिफिक ओशन है वो क्या करता है, वो 3 या 4 कंटिनेंट्स को कवर किया हुआ है, ठीक है, जैसे एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को, ये सारे किससे कवर्ड है, पैसिफिक ओशन से, ठीक है। सेकंड आता है हमारा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट ओशन है आफ्टर पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो जो पैसिफिक अटलांटिक ओशन है वो एस शेप का है, वो अर्थ को एस शेप में ऐसे कवर किया हुआ है। क्यों एस शेप में, सपोज ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब ऐसे बता रहा हूँ, और ये कोई लैंड है, ये कोई लैंड है, जिसके कारण क्या हुआ, ये ऐसे करके ऐसे कवर कर रहा है, समझ रहे हैं आप, लैंड को ऐसे कवर काटते हुए अगल बगल से वो ऐसे कवर कर रहा है, तो उसके कारण उसका शेप कैसे हो गया, एस हो गया। तो इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है, एस शेप ओशियन, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन ईस्टर्न साइड में अफ्रीका को कवर करता है, ठीक है, और यूरोप को कवर करता है, अफ्रीका और यूरोप को, और वेस्टर्न साइड में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कवर करता है, ठीक है। तो थर्ड है हमारा इंडियन ओशन, ये एकमात्र ओशन है दुनिया में जिसका नाम एक कंट्री से पड़ा है, और कौन सा कंट्री है, हमारा आपका प्यारा इंडिया, ठीक है, इंडिया। तो ये एक ट्रायंगुलर शेप का
एक ट्राइंगुलर शेप का ओशन है, ठीक है, जो कि सराउंड करता है साउथ ऑफ इंडिया को, सराउंड मतलब घेरता है, ठीक है, साउथ ऑफ इंडिया को, ठीक, ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट डायरेक्शन, अफ्रीका का वेस्ट डायरेक्शन, कौन कवर करता है, इंडियन ओशन, ठीक है। और चौथा हमारा सदर्न ओशन, तो सदर्न ओशन क्या क्या कवर करता है, सदर्न ओशन मेजरली कवर करता है एंटार्क्टिका को, ठीक है, जो कि अप टू कहाँ तक फैलता है, मैं आपको 23.5 डिग्री तक बताया था, जो कि साउथ में वो क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो वो 23.5 डिग्री था, मतलब 23.5 डिग्री, ये मैं बताया था साउथ में, तो साउथ में ही 60 डिग्री पे वो जाके खत्म हो जाता है, क्या, सदर्न ओशन, फिर वहां से दूसरा ओशन का शुरुआत होता है, ठीक है। फिफ्थ है हमारा जो सबसे लास्ट है, जो है आर्टिक ओशन, जो आर्टिक ओशन है हमारा वो नॉर्थ पोल को कवर करता है, किसको कवर करता है, नॉर्थ पोल को, जो हम आर्टिक टन जो बोलते हैं उसको कवर करता है, ठीक है। कनेक्ट विथ पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट, तो देखिए जो आर्टिक ओशन है वो कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन से, एक जगह है जहां पे आर्टिक ओशन और पैसिफिक ओशन एक साथ मिलते हैं एक पतला सा रास्ता के थ्रू, उस रास्ते को क्या बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट, क्या बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट, जो कि जो हमारा आर्टिक ओशन है जो कि नॉर्दर्न कोस्ट में, नॉर्दर्न साइड में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका को कवर करता है, और यूरेशिया, यूरेशिया क्या होता है आपको मैं पहले ही बताया, यूरोप प्लस एशिया का लैंड को क्या बोलते हैं हम, यूरेशिया। आई होप सो आपको ये ओशंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम सीधा हमारा लास्ट टॉपिक देखते हैं जो कि बायोस्फीयर और एटमोस्फीयर पे बेस्ड होगा। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि एटमोस्फीयर और बायोस्फीयर। तो हम पहले तीन दो चीज हम डिस्कस कर चुके थे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, याद करिए मैं आपको तीन चीज बताया था, लैंड, वाटर और एयर, ठीक है, जिसको लैंड में हम कंटिनेंट के नाम से डिस्कस किए, वाटर को ओशन के नाम पे, अब एयर को हम डिस्कस करेंगे एटमोस्फियर के नाम पे, ठीक है। एटमोस्फियर जो कि मैं आपको पहले ही बताया, जो हम नंबर ऑफ गैसेस से जो हम घिरे हुए, जो सराउंड हुए हैं हम, उनको हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फियर बोलते हैं, जो कि पहला पॉइंट लिखा हुआ भी है, मल्टीपल गैस बाय विच वी आर सराउंडेड कॉल्ड एज एटमोस्फियर, मल्टीपल मतलब बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारे गैस के थ्रू जो हम गैस में हम घिरे हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फियर, ठीक है। एटमोस्फियर हमको एयर प्रोवाइड करता है ब्रीथ करने के लिए, ब्रीथ मतलब सांस लेने में, तो कौन सा चीज हमको प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है हमको, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सांस लेने के लिए, ठीक है। और लिखा हुआ है इसी में ही, एंड सेव अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन, सन के, सन से ना कुछ हार्मफुल रेज निकलते हैं उससे भी हमको बचाता है, जिस जो लेयर है जो हमको बचाता है उसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर, क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जो हम सांस लेते हैं, जो ब्रीदिंग करते हैं, हम जो इनहेल करते हैं, जो हम अंदर लेते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, जो एयर में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और दूसरा जिसको हम, जिसके कारण हम सन के हार्मफुल रेस से बचते हैं उस लेयर को हम बोलते हैं ओजोन लेयर, ये दो नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। एटमोस्फियर जो है अर्थ में वो 1600 किलोमीटर का हाइट तक फैला हुआ है, हम जमीन है ये, सपोज ये अर्थ का जमीन है, ये जमीन से ऊपर आप जितना बढ़ते जाएंगे, जितना जितना ऊपर आप जाते जाएंगे उतना आपका जो एटमोस्फेयर में जो प्रेशर है, हवा का जो दबाव है वो कम होते जाएगा, ठीक है, एटमोस्फेयरिक प्रेशर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयरिक प्रेशर, एटमोस्फेयरिक प्रेशर वो क्या होगा, कम होते हुए जाएगा, ठीक है, वो नीचे मतलब कम हो रहा है वो। फिर से मैं बताता हूँ आपको, फिर से बोल दे रहा हूँ ये पॉइंट आपके लिए, तो ये लैंड से अगर हम ऊपर जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर गिरेगा, जब हम हाइट बढ़ाएंगे तो एटमोस्फेरिक प्रेशर डाउन होगा, ठीक है। एटमोस्फियर इज डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, एटमोस्फियर को उसका प्रॉपर्टी का बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अगर मैं एक अर्थ बनाऊं, सपोज ये एक अर्थ है, ठीक है, और मैं इतना पोर्शन अर्थ का काट के बाहर निकाला तो हमको कुछ ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, जिसमें
इसको प्रॉपर्टी के बेसिस पे, एटमॉस्फेयर को प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। जिसको पहला हम नाम दिए ट्रोपोस्फीयर, जो कि जमीन में है, क्या है ट्रोपोस्फीयर, जहां हम रहते हैं उसी को बोलते हैं हम ट्रोपोस्फीयर। मेरे को जितना याद है वो नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 6 में ये सारा टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है, तो हम चैप्टर 6 में इसको समझेंगे सारा टॉपिक को। बस अभी आप इतना समझ लीजिए इसको किस किस नाम से डिवाइड किया गया है, ठीक है। सेकेंड है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। जो थर्ड है हमारा वो है मेसोस्फीयर, और जो फोर्थ है थर्मोस्फीयर, और जो फिफ्थ है एक्सोस्फीयर, ये स्पेस पे पहुंच जाता है। तो जो ये है हमारा, ये जमीन से लेकर के स्पेस तक है। ट्रोपोस्फीयर जमीन पे, एक्सोस्फीयर हमारा कहाँ पे, स्पेस पे। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये जो मैं सरफेस जो लिया हूँ ये अर्थ का लैंड है, मैं इधर लिख देता हूँ कहीं बाहर निकाल के, अर्थ का क्या है, लैंड है, या फिर अर्थ सरफेस आप बोल सकते हैं। ये जमीन से मैं लिया हूँ, ये जमीन है, ये अर्थ सरफेस है, ये जो डिब्बा मैं निकाला हूँ ये अर्थ के ऊपर का है, सपोज नहीं, ये अर्थ के ऊपर ही का है, ये अर्थ के ऊपर ही एटमोस्फियर रहता है, अर्थ के जमीन में नहीं रहता है, वो पाताल लोक है, आपको ही पता है। और जो ऊपर है वो उसको स्वर्ग भी बोलते हैं, अगर पाताल लोक का उल्टा बोले तो वो आसमान में हमारा एटमॉस्फेयर है, ना कि जमीन के अंदर है, इसको ये मत समझ लीजिएगा। हम रहते कहाँ हैं ये भी मैं आपको बता दूं, सपोज ये अर्थ है, हम इसके ऊपर रहते हैं, हम इसके ऊपर में रहते हैं, ना कि इसके भीतर में, ये बात याद रखिएगा, हम उसके सरफेस पे रहते हैं। तो एटमॉस्फेयर कहाँ है, ये सरफेस के ऊपर में, ठीक है। तो उस पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो यहाँ पे लैंड पे है वो ट्रोपोस्फियर है, और बीच का तो सब अब यहाँ पे सब लिखा हुआ है, और जो स्पेस पे है वो है एक्सोस्फीयर, ठीक है। ये दो चीज ध्यान रखिए, दो चार चीज है उसको ध्यान रखिए, ठीक है। प्रॉपर्टी के बेसिस पे इनको पांच नाम पे डिवाइड किया गया, वो अगला चैप्टर में आप सारा नाम जान जाएंगे और सारा इसका जो प्रॉपर्टीज है वो भी जान जाएंगे, ठीक। एटमॉस्फेयर में अराउंड 78% क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी एक तरह का गैस है जो कि यूज किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, थोड़ी स्पेलिंग चेक करेंगे, जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे 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 जीव होते हैं, वो यूज करते हैं किसको, नाइट्रोजन को। और ऑक्सीजन जो है, जैसे आपको ये पहले ही मैं बताया, ये क्या काम आता है, इनहेल करने का, ठीक है। एनिमल ह्यूमन सब इससे इनहेल करते हैं, और अदर गैस में बचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम अपने शरीर से छोड़ते हैं सांस लेने के दौरान, जो हम बाहर छोड़ते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद आता है आर्गन, ठीक है। बहुत तरह के आपको गैस फिर इसके बाद मिलेंगे नेचर में। ये तीन किस्म, ये दो जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ठीक है। अगर 100% एटमोस्फियर है तो उसमें 78% क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, और बाकी 21% क्या है, ऑक्सीजन है, और जो बचा 1% है उसमें ये सारे गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, और भी बहुत सारे गैस हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट। तो जब आप अर्थ का सरफेस से ऊपर आप जब बढ़ेंगे, ठीक है, अर्थ का सरफेस से, ये अर्थ का सरफेस है, जब आप इससे ऊपर बढ़ेंगे तो आपका क्या बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, ऊंचाई आप बढ़ रहा है ना आपका ऊंचाई, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो डाउन होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ऐसा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर हम पे लगा, ऐसा दबाव, दबाव मतलब समझते हैं ना, जो दाबते हैं किसी चीज को, जो उसमें हम प्रेशर लगाते हैं, उसी चीज को हम हिंदी में दबाव और इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं। और जो एटमॉस्फेयर हम पे जो प्रेशर लगाता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वही चीज वो घटते जाता है उसका वैल्यू, अगर हम हाइट पे बढ़ते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कमते जाएगा, ठीक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक बचा बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है, जब लैंड वाटर और एयर तीनों आपस में अपने कांटेक्ट में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। मतलब कि जहां पे ये तीनों एक साथ प्रेजेंट हो, जहां पर ये तीनों एक साथ प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, ये लैंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, जहां पर ये तीनों एक साथ प्रेजेंट हो,
लैंड वाटर और एयर, ठीक है। तो क्या होता है, बायोस्फीयर को भी गंदा कर देते हैं हम ही करते हैं, हम करते हैं साथ में हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं वो भी गंदा करते हैं। जैसे वो क्या करते हैं, हम भी हमारे घर का वेस्ट कहाँ छोड़ते हैं, नदी में छोड़ते हैं। जो इंडस्ट्री के भी जो वेस्ट होता है वो कहाँ छोड़ते हैं, नदी में छोड़ते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, वाटर जो रहता है वो अनफिट हो जाता है यूज़ के लिए, उसको हम यूज़ अब अपने नहीं कर सकते, ठीक है। गंदा पानी तो आप पियेंगे नहीं, गंदा पानी से आप नहाएंगे नहीं, गंदा पानी से नहाएंगे तो नहाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट हमारा बचा वो है, इंक्रीजिंग ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डेट इज CO2 इन नेचर कजेज ग्लोबल वार्मिंग। आप ये सब का नाम सुने होंगे क्लास 5 में भी, ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड में आपको बताया था, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का एक फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है। इसको CO2 के नाम से भी जाना जाता है, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन। जब दो ऑक्सीजन मिल जाते हैं उसको डाइऑक्साइड बोला जाता है, डाई मतलब 2 होता है, ठीक है। तो वही चीज, जब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा एयर में जब बढ़ता है, किसी भी चीज को हम जलाते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड यूज कौन करता है, ट्री, अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। लेकिन ट्री भी हम काट दे रहे हैं तो उसके कारण क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में ही कहीं ना कहीं घूमते रहेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड एयर में घूमता है तो वो हीट को ज़्यादा करता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ाता है। आप अक्सर देखते होंगे गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, इवन बारिश में भी ढंग से बारिश नहीं होता और गर्मी पड़ता है। तो उसका रीज़न क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का भी मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ते रहता है एयर में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर भी ख़त्म हुआ और साथ ही हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हुआ। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ आया हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।